Ladies and gentlemen, sisters and their brothers, definitely not mine, welcome to a brand new episode of PollBaazi. I missed you guys, yeah. 4 days ka acha vacation enjoy karke aa rahi hu main. मैं कौन? मैं हूँ विधि. मैं हूँ इस शो की होस्ट, आपकी दोस्त. और अगले 15 मिनट काफ़ी एक्साइटिंग होने वाले हैं क्योंकि पोलबाजी में काफ़ी एंटरटेनमेंट होता है. यू नो व्हाट, मैं 4 दिन की छुट्टी के बाद आ रही हूँ लेकिन काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई थिंक माय प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड. फाइनली इस शो में एक ऐसी एक्सपर्ट आई है जो क्लासी है, जिनमें दिमाग है, जिनके साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है. वेलकम टू द शो, शनाया. Hi Vidhi, क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? Yes, of course, Shanaya. Welcome. I'm so excited. आप शो में आए हैं. I'm pretty sure कि बहुत मजा आने वाला है. Vidhi, you know what? I'm always excited. And तुम्हें देखकर कि तुम्हें कुछ ज़्यादा excited हो गई हूँ. So what plans for tonight? Okay. शो में मैं 8 सवाल पूछने वाली हूँ. जैसा कि आप जानती हैं, 8 सवाल होंगे. हर सवाल के 3 इंटरेस्टिंग ऑप्शंस होंगे और जो जनता हमें ज्वाइन करेगी उनको 10 सेकंड के अंदर अपना जवाब टैप करना होगा. अच्छा. और जवाब सही है या गलत ये सब कुछ जनता डिसाइड करेगी क्योंकि शनाया पोलबाजी इज ऑल अबाउट मेजोरिटी. तो अगर जनता का जवाब मेजोरिटी के जवाब से मैच कर जाएगा तो लोग आगे बढ़ जाएंगे और 8 सवालों के जवाब दे दिए तो 10,000 में से हिस्सा जीत ले जाएंगे. Oh my God! I know. And इस शो में क्योंकि लोग अपना ओपिनियन शेयर करते हैं तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन जरूरी होता है. Yeah. अभी तक हमारे पास सारे वाहियात एक्सपर्ट आए हैं शनाया, पर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू एज एन एक्सपर्ट. विधि, लिसन. यस. मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम मुझे प्यार से कह सकते हो. Your nickname is. Yeah. So. I'll be like really happy अगर तुम मुझे श करके बोला क्योंकि थोड़ा अपने पन की भावना लगेगी ना. Sure. मैं शनाया ही बोलूँगी. By the way, you look really pretty today. Thanks, Shanaya. little conscious. ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा दिल है. इस दिल का इस्तेमाल आप पोलबाजी में एक बार कर सकते हैं. That's your life. तो कोई भी जवाब जनता के जवाब से मिसमैच हो जाता है, लाइफ यूज करके आप गेम में बाउंस बैक कर सकते हैं. एंड देन यू कैन यू नो चिट चैट विद मी एंड Shanaya. और अगर आप गेम से एलिमिनेट हो भी जाते हैं, टेंशन ना लीजिए. पोलबाजी इतना मजेदार खेल है कि आप एंड तक पोलिंग कर सकते हैं, अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. तो बस एंड तक टैप टैप करते रहिएगा. कितनी तेज करती हो बेटी तुम बात. एंड अभी तुमने जस्ट ऊपर का जिक्र किया तो मैं बोलना चाहूंगी सब लोगों को कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर के ऊपर आकर के आज कयामत बैठ गई है. टॉकिंग अबाउट यू ब्यूटीफुल. ओके, आप कितना कराओगी विधि? है इंतजार, स्टार्ट करो. ऑलराइट, आई हैव अ फीलिंग हमारे एक्सपर्ट आज भी काफी अजीब है. 17,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ. वेलकम वेलकम. शुरू करते हैं तो दिल से मेरी आवाज को सुनिएगा और आज तो शनाया की भी आवाज को सुनिएगा और अपनी फोन स्क्रीन को घूरिए. क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर. आप मुझे बताइए इन तीनों में से वो कौन से बॉलीवुड एक्टर है जो सबसे बेस्ट डांसर है इन तीनों में से. अभय देओल, बॉबी देओल या सनी देओल. यारा ओ या, सॉरी आई विल नॉट सिंग. वैसे देओल परिवार में ना काफी लोग शायद आप जानती हैं काफी फेमस है अपनी बॉडी की वजह से, अपनी मसल्स की वजह से. एंड आप एक चीज मिस कर गई विधि, अपनी बॉडी हेयर के लिए भी. मतलब मेरे दियोल्स को कभी उस नजर से देखा नहीं शनाया. एक्चुअली देखना तो मेरी मैं भी नहीं चाहती थी बट यू नो थिंग्स हैपन, वन थिंग लीड्स टू द अदर. एंड वैसे भी दियोल हो या दुओल हो hardly makes any difference. memories. Okay, all right, Shanaya, control. इतना डिटेल नहीं जाननी. जनता ने जवाब भेज दिया, कहते हैं कि इन तीनों में से बेस्ट डांसर बॉबी देओल है. वैसे बात सही है. अभय देओल, लेट्स नॉट. सनी देओल तो एरोबिक्स योगा का मिक्सचर है, बट बॉबी देओल का डांस आपने देखा है Shanaya सोल्जर में? दुनिया हसीनों का मेला. यस यस, उनके घुंघराले बाल. या मुझे मेरा दिल कभी अकेला नहीं रहता वैसे विधि. अभी तो स्पेशली नहीं है, थोड़ा मनचला हो रखा है. All right, Shanaya. Okay. 2,661 लोगों ने लाइफ यूज कर ली है. वेलकम बैक टू द गेम. 17,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं मेरे और Shanaya के साथ और बता रहे हैं हमें इंडिया की सोच. क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. आप मुझे बताइए इन तीनों में से वो क्या चीज है जो इंडियंस को बहुत अच्छी लगती है. खाना खाना या बस सोते रहो, आलसी लोग है ना हम, या प्यार बांटते चलो. आई मीन यू नो सेक्स. ओह यस, स्लर्प स्लर्प. Yes, Shanaya, I think I know आप कौन सा ऑप्शन चुनने वाली हैं. ऑप्शन नंबर 1 विधि, खाना. फूड. या खाना कितना इम्पोर्टेंट होता है. खाना खाओ
मेहनत करो, मेहनत करो, खाना खाओ. तुमने, रुको मैं बताती हूँ कुछ ऐसे खानों के बारे में बताती हूँ जो आई थिंक रेगुलरली खाने चाहिए. अच्छा. जैसे ऑयस्टर्स, क्रैब्स, स्ट्रॉबेरीज, नट्स. Walnuts, I mean, Vidhi. You mean aphrodisiacs? Yeah, yeah, okay. You got it right, baby. I get you, Shanaya. I totally get you. जरूरत नहीं थी इसकी वैसे. जनता का जवाब आ चुका है और वो भी आपसे बिल्कुल सहमत है, Shanaya the expert. एक चीज जो बहुत पसंद है वो है खाना. Food. बहुत सारे लोग मेरे साथ कर रहे हैं विधि. What? Agree. All right. Lovely lipstick color, by the way. Thanks, Shanaya. Stop looking at me. 16,000 लोगों ने life use कर ली है. अदर 16,000 लोग जुड़े हुए हमारे साथ. Shanaya जी, stop looking at me. I am getting confused. ऐसे nervous नहीं होते विधि. Actually, मेरे साथ जो लोग होते हैं ना, वो मेरे आसपास जो लोग होते हैं वो मुझे देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पप्पी के साथ काफी अच्छी दोस्त हैं. बाद में बात करेंगे इस बारे में. क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. आप मुझे बताइए, जो हिंदुस्तानी मेन है वो जब अपने लिए पार्टनर ढूंढते हैं विमेन, तो कौन सी क्वालिटी इन तीनों में से उनको अच्छी लगती है? सबमिसिव पर्सनैलिटी, हीरोइन वाली लुक्स, या संस्कारी वैल्यूज? यार मतलब व्हाई डू मेन गेट टू चूज? आजकल तो लड़कियां भी चूज करती है, डेटिंग एप्स भी होती है. एवरीबॉडी हैज अ राइट टू स्वाइप समवेयर, स्वाइप यू नो. करेक्ट. यानी कि मैं अगर अपने लड़की ढूंढूंगी ना विधि, तो उसमें ना तीन क्वालिटीज होंगी. सो आई लाइक शॉर्ट हेयर, हमारे, एंड आई रियली लाइक योर लिप कलर. ओके. एंड एक बड़ी विधि बोलना. एग्जैक्टली, दैट्स द बोल्ड वॉइस आई हैव बीन लुकिंग फॉर. सो शनाया जी, आज हम पहली बार मिले हैं. Let's get to take my eyes off you, Vidhi. What do I do now? I understand, puppy. Yeah. Sketching a little. जनता ने जवाब दे दिया और वो कहते हैं कि men ढूंढते हैं लड़कियों में संस्कारी values और तब उनको partners बनाते हैं. Shanaya, you're a modern woman. What do you say to this? I just feel ये जो तीनों options हैं, जो भी इन तीनों options में से agree करता है ना, hard luck. Shanaya नहीं मिलने वाली आपको. Yeah. मतलब एक्सक्यूज मी, यार प्यार करो तो बंदे की पर्सनालिटी से करो. है exactly. Yeah. Thank you for agreeing. 356 लोगों ने लाइव यूज कर लिए. वापस आ चुके गेम में. 15,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हमारे साथ और बता रहे हैं इंडिया की सोच. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. आप मुझे बताइए इन तीनों में से बेस्ट ऑन स्क्रीन मम्मी जी कौन है? निरूपा रॉय, जो अपने बच्चों को हर बार खो देती थी फिर रोती थी. किरण खेर, महालाउड, या रत्ना पाठक शाह, ब्रिलियंट एक्टर, थिएटर आर्टिस्ट इज वेल. You know, मतलब मुझे तो वो पसंद है. बट तुमने अभी जस्ट मामा का जिक्र किया विधि, तो मामाज बॉयज, इनके बारे में मुझे बात करनी है. अच्छा, वो लड़के जो अपनी मम्मी से ज्यादा एग्री करते हैं कंपेयर टू द गर्लफ्रेंड एंड द वाइव्स. सो आई लाइक माय मेन स्ट्रांग, बट आई लाइक माय वुमेन स्ट्रांगर. हां, यू लाइक योर वुमेन स्ट्रांगर. टोटली. शनाया, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट वुमन. थैंक यू विधि. मुझे डर क्यों लग रहा है पता नहीं क्यों. आई एम वेरी स्केर्ड. 229 लोगों ने यूज कर ली है लाइफ और जनता का जवाब आ चुका है बेस्ट ऑन स्क्रीन मम्मी निरूपा रॉय. अच्छा? जो बच्चे खो देती थी. रियली जनता? वैसे हाँ, मतलब लिसन नो, पप्पी ने मुझे बताया था कि वो तुम्हारी मॉम से मिले थे. मुझे कब मिला रही हो? शनाया, पप्पी मेरी मम्मी से कभी नहीं मिले. ये सारे एक्सपर्ट्स को मेरी मम्मी से क्यों मिलना है? क्यों मेरे परिवार से मिलना है सब लोगों ने? अरे आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया विधि? थैंक्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. 14,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं. थैंक यू. स्टिक टिल द एंड. टैप टैप करते रहिएगा. आप मुझे बताइए अब कि अपने कमरे की सफाई आप कब कब करते हैं? जब जब मेहमान आते हैं तब आप सफाई करते हैं या रोज सफाई करते हैं? बिकॉज इट इज गुड टू स्टे क्लीन एंड हाइजीनिक, या सिर्फ दिवाली टू दिवाली सफाई होती है? जी मैं तो रोज करती हूँ विधि, इवन व्हेन देयर आर गेस्ट्स अराउंड. एंड यू नो व्हाट, दिवाली पे तो डबल धमाका होता है. एंड अभी न्यू ईयर के लिए चालू कर दिया मैंने. सफाई की बात कर रहे हैं हम. सफाई, राइट. आई एम नॉट प्लेइंग एनी डर्टी गेम्स. तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता है. मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों मेरी कोई सुनता नहीं है. यू आर दिस वन नॉटी गर्ल. एक्चुअली नॉसी बोलना चाहूंगी मैं तुम्हें. यू नो व्हाट नॉटी नॉसी इज विधि? व्हाट इट इज? नॉटी एंड सैसी तुम दोनों हो. थैंक यू शनाया. अनंतो,
हमारे शो के प्रोड्यूसर हैं और वही एक्सपर्ट ढूंढ के लाते हैं. जनता का जवाब आ चुका है और वो कहते हैं कमरे की सफाई तो भैया रोज ही होती है, बिकॉज इट इज अ गुड थिंग टू डू. सफाई में रहेंगे तो है ना. बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए विधि, रोज मतलब मुहूर्त निकाल के करनी चाहिए सफाई. Don't be nervous, just be excited. Yeah, सफाई के लिए excitement. मतलब शनाया जितनी excited है आप भी हो सकते हैं to clean. 13,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. Question number 6 पर अब हम आ चुके हैं. आप मुझे बताइए इन तीनों में से वो कौन है जो ज्यादा गपशप gossiping करते हैं. आपके पड़ोसी, अरे वो पड़ोसी क्या जो गप्पे हमारे, या न्यूज रिपोर्टर्स, या करण जौहर ओवर कॉफी एंड अदर थिंग्स. वैसे भी मेरा ना एक मानना है जी कि आपका अच्छा होना चाहिए, लाइक आपका सबसे अच्छा होना चाहिए. व्हाट पड़ोसी? हाँ, बिकॉज़ नैगिंग पड़ोसी नहीं होनी चाहिए ना, कभी किसी की जरूरत पड़ जाए. एग्जैक्टली, तभी तो वो बोलते हैं ना मेक लव दाई नेबर. सुना होगा तुमने? यस, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रही हैं उसमें नहीं सुना है मैंने. विधि, तुम्हें आई जस्ट टोल्ड यू नो यू आर वेरी नॉसी. So you're just living up to it. So I am pretty excited to meet you. Me too, Shanaya. Me too. All right then. जनता ने जवाब भेज दिया, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गप्पे तो जी पड़ोसी मारते हैं, क्योंकि पड़ोसियों के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है. You know what, Vidhi? This one time, I was dating this news reporter. हाँ. अच्छा. And जब भी मैं कुछ करूँ या जब भी वो कुछ करे, तो मुझसे हमेशा पूछता था, कैसा लगा आपको ये? So then I just stopped. Dating news reporters और क्या कर सकती थी? I agree. प्यार करो लेकिन इतने सवाल तो मत पूछो. Exactly. I agree. Exactly. तभी तुम्हारे मेरे ख्याल बहुत मिलते हैं विधि. 33 लोगों ने यूज कर ली अपनी लाइफ. 13,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं. पहुंच गए हम टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग. आप मुझे अब सच्ची सच्ची बताइए, पर्सनल रोमांटिक सवाल है. अपने एक्स के बारे में आप सबसे ज्यादा क्या मिस करते हैं? मेकअप, सेक्स, लड़ाई झगड़ा एंड देन यू नो, या क्लीनिंग डिशेस टुगेदर, या झगड़ा ही मिस करते हैं आप? तो मतलब शनाया, आई बिलीव इस एरिया में आपका थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप क्या मिस करते हो? सो विधि, आई डोंट मिस माय एक्स बिकॉज आई हैव ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. बट कभी कभी ये जो अल्फाबेट्स है ना, ये वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. You know what I mean, right? I don't know what you mean actually. You sure do. Former love interest ki baat kar rahe hai Shanaya. Achha, achha, like that. Current hota hai sab kuch. Former kuch nahi hota. I don't believe. Janta ka jawab aa chuka hai and Janta kafi clearly thodi confused hai, lekin winner hai. Makeup sex apne ex ke saath bada miss karte hai. Aha, Janta bhi kafi naughty hai. Aur 1863 log kehte hai ki jhagda miss karte hai. अच्छा अच्छा, वो कहते हैं ना शनाया जी, झगड़ा प्यार को तगड़ा कर देता है, तो फाइटिंग एंड मेकिंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओह माय गॉड विधि, अगर पपी की भाषा में बोलूं तो गरम लाग छे. वैसे तुम्हारे और मेरे विचार कितने मिलते हैं यार? नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते. लेट्स गो फॉर डिनर. वी डिफरेंट पीपल शनाया, वेरी डिफरेंट पीपल. क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग. दिस इज अबाउट डीप वीर. या यू नो दीज पीपल. तो आप मुझे बताइए, इटली के अलावा दीपिका और रणवीर को कहाँ शादी करनी चाहिए थी यार? कहाँ, मतलब इटली चले गए इतना दूर, अदालत में कर लेते या भंसाली जी के सेट पे कर लेते, वो भी सुंदर होता है, या वांखड़े स्टेडियम में करते, मतलब सब आ जाते हैं देखने के लिए. विधि, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इनको शादी करने की क्या जरूरत थी. अब दीपिका क्वीन मूवी की रानी थोड़ना है, उसने तो आई गेट इट. हम क्वेश्चन के जवाब पर फोकस करेंगे शनाया. अच्छा, वेन्यू क्या होना चाहिए था? आई फील कि अगर स्टेडियम में करते तो बहुत पब्लिक नहीं हो जाता. आई फील पब्लिकली नहीं करना चाहिए, सब लोग देख लेते ना. विधि, शादी की बात हो रही है ना, तो शादी तो कपल सेलिब्रिटीज की हर कोई देखना चाहता है शनाया. तो मैं कौन सा कुछ और कह रही हूँ. Even I mean that. जनता का जवाब आ चुका है. जनता ने जवाब भेज दिया और वो कहते हैं कि भंसाली जी के सेट्स पर, क्योंकि वो भी इक्वली ग्रैंड एंड लैविश एंड ब्यूटीफुल होते हैं, वहीं पे कर लेते शादी. क्या इतना खर्चा करा, इटली चले गए. स्मार्ट है जनता. जब तुम शादी करोगी तो बुलाना मुझे प्लीज. हाँ, ऐसा मेरा प्लान नहीं है. मैं तुम्हें बैचलरेट पार्टी दूंगी. हाँ, एंड वेन्यू तुम पिक करना. ओके, दूर. आपसे बहुत दूर. आप जल्दी भी करो विधि, सेलिब्रेशन. यस, आई फॉरगॉट. 225 लोग जीत चुके हैं आज पोलबाजी का खेल. कांग्रेचुलेशंस. बले बले, तिशा वशा.
देखिए आज मेरी पहली मुलाकात शनाया के साथ, so I can't stop smiling. मैं काफी all right. डर भी रही हूँ थोड़ा सा, just a little bit scared. लेकिन अगर आपको आज का खेल पसंद आया तो hashtag PollBaazi लिखकर अपना मैसेज, अपनी फोटो हमें भेज दीजिए. Instagram, Facebook, Twitter, @BaaziNow, हम हर जगह मौजूद हैं. जल्दी भी कीजिए ना फोटोज अपलोड सोशल मीडिया पे. ऑफ कोर्स 44 रुपीस जीत गए हैं आज आप. अभिषेक शर्मा, रंजन राणा, पवन, रागिनी, गुरु, मनोज, ज्योति, शिवांगी. हे रागिनी, हाय ज्योति, हे शिवांगी, हाय संदीप, महक, दीपिका. फ्रेंड्स हैं आपके सारे? नहीं, बट आई वुड लव, मतलब बना लूंगी वन को फ्रेंड्स. तुम्हें भी तो बना लिया ना. Very friendly, Shanaya is. अगर आप सोच रहे हैं कि next कब मिलेगा मौका आपको PollBaazi पर, अबे brainbaazi पर पैसे जीतने का, it's the weekend. BingoBaazi 4:30 बजे, brainbaazi 8:30 बजे, रात को 9 बजे PollBaazi खेलेंगे फिर से. हाँ, तुम ऐसे बहुत घबरा जाती हो विधि मुझे देखकर, ऐसे ऐसे नटखट भी बहुत हो विधि तुम. Shanaya, I have to be honest, इतनी नर्वस में कभी और नहीं हुई. पप्पी से दूर रहो. लिसन, आज करने वाली हो क्या रात को तुम पार्टी? इट्स फ्राइडे नाइट, इट्स फ्रीकी फ्राइडे. प्लीज अपना जस्ट टर्न योर फ्रीक ऑन, बिकॉज़ मेरा तो है.